2014 के मुकाबले 2019 में जबरदस्त वापसी की है दीपेंद्र हुड्डा साहब कांग्रेस ने। पहला सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा, आप 33 तक पहुंच गए हैं, कहां काम किया आप? देखिए, मैं समझता हूं 3 हफ्ते पहले जब हुड्डा साहब के हाथ में चुनाव की कमान आई थी, शैलजा जी हमारी अध्यक्ष बनी थी, उसी दिन लोगों को लोगों के दिलों में एक आशा किरण जागृत हो गई थी कि भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का जो है ये एक रास्ता है, ये मैंडेट बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मैंडेट है, ये मैंडेट जो है विपक्ष के सारी दलों को साथ आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ सारे दल साथ आएँ, दुष्यंत चौटाला जी से कहना चाहता हूँ, अभय चौटाला जी से कहना है, सारे दल साथ आएँ और मिलके जुलके एक गठबंधन की सरकार हरियाणा में बने, ऐसा मैं समझता हूँ ये मैंडेट है। उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, जेजेपी ने कुछ शर्तें रखी हैं, क्या उन शर्तों को आप मानेंगे? ऐसा है कि मिलके बैठ के सारी बातचीत होनी चाहिए। मैंडेट जनादेश, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का जो जनादेश है, इस जनादेश का पालन होना चाहिए। 75 पार दीपेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, लेकिन वो तो बहुत कम पे रह गई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर पूरे 3 महीने हर प्रकार से निष्पक्षता से होता। चलिए, तो दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर 10 दिन पहले कह दिया था कि हरियाणा की खट्टर सरकार का घमंड जो है टूटने वाला है, मेरा ट्वीट सेव कर लीजिए।